उन्होंने सिस्टर का डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ की लोकल आईडी मांगी, उन्होंने उसका वीजा स्टेटस मांगा, उसकी पासपोर्ट डिटेल मांगी और उनकी बैंक की डिटेल मांगी, जो कि उनके कोई राइट नहीं है। नहीं, मैंने जब उन्हें देने के लिए मना किया तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट होल्ड कर दिया और मुझे धमकी दी कि मैं सिक्योरिटी को हम बुलाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो में ना हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है ना भाई, मेरे साथ यार कमल भाई। भाई कमल भाई से ना यार चंडीगढ़ के बाद सीधा वैंकूवर में मुलाकात हो गई है। अभी मैं हूँ एब्सफोर्ड में और यहाँ से ना यार भाई से स्पेशल मिलने आया हूँ। तो यार भाई से डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, तो पता लगा यार इन्होंने मुझे ऐसी बात बता दी ना जो मुझे लगा कि यार आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। भाई ना यार विजिटर वीजा पर कनाडा में लैंड किए थे और इनसे जो सवाल जवाब किए गए थे भाई उसको सुन के मैं यार दंग रह गया। इमिग्रेशन ऑफिसर की अगर बात करूंगा तो भाई से कोई भी क्वेश्चनिंग इंडिया में नहीं हुई और ना ही कोई क्वेश्चनिंग इनको कनाडा के एयरपोर्ट पे। बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई। तो भाई एयरलाइन की जो गुंडागर्दी है ना आज उसका पर्दाफाश करने वाला हूं। तो खास करके इस वीडियो के अंदर किसी भी एयरलाइन को मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहता, बट ना एयर इंडिया का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही लोगों का बुरा एक्सपीरियंस रहता है। कमल भाई के साथ भी ना सेम ही ऐसा हुआ और मैं भी ना एयर इंडिया की फ्लाइट से ही आया था, बट इस बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। बट लास्ट टाइम जो मैं आया था ना तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। कमल भाई ने कनाडा में लैंड किया, उससे पहले जो सीन हुआ ना उसके बारे में बताता हूँ। पहली बात तो मेरा जो टाइमिंग था फ्लाइट का वो 5:45 था, ठीक है, मॉर्निंग का। ओके, तो उन्होंने क्या किया, फ्लाइट ऑलरेडी 1 घंटा डिले कर दी। उनका स्टाफ इतना मतलब केयरलेस था, उनको अपना टाइम का किसी भी कस्टमर का ध्यान नहीं है कि टाइम पे कुछ सब चीज करनी है। मैं एयरपोर्ट रात को ही 12 बजे पहुंच गया था अपनी फ्लाइट से पहले, ताकि मुझे ये था कि हाँ इंटरनेशनल फ्लाइट है। और मुझे दुबई के टाइम पे ऐसा कभी एमिरेट्स की फ्लाइट में ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो बातों की बात निकल आई यार, तो भाई से ना यार मैं चंडीगढ़ में मिला, फिर मैं भाई से दुबई में मिला, फोटो अटैच कर दूंगा, और उसके बाद भाई से मुलाकात होगी कनाडा में। भाई देख लो यार कितनी छोटी सी दुनिया, वहीं भी किसी से भी मुलाकात हो जाती है। तो यार भाई का जो वर्स्ट एक्सपीरियंस था ना वो आप लोग उनसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ भाई, ताकि आप लोग भी ना इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। देखना यार कि कैसी कैसी चीजों को आपको आगे जाके फेस करना पड़ सकता है। भाई ऑलरेडी दुबई ना 35 टाइम ट्रेवल कर चुके हैं, मोर देन 35 भाई, अप डाउन 35 से ज्यादा बार ट्रेवल कर चुके हैं भाई 5 साल के अंदर। तो भाई का यार वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था ना, तो इनका तो यार इतना एक्सपोजर है इनके पास कि इनको पता भी एयरलाइन ने आज तक भी ऐसा सवाल जवाब तो नहीं किया होगा। किसी ने भी नहीं। चलो हम दुबई को यार कोई छोटी कंट्री नहीं कहते भाई, अच्छे लेवल की कंट्री है, बट यार कनाडा में जैसे ही आपने आने की ट्राई की भाई आपको एयरलाइन वालों ने बोलना शुरू कर दिया। मेरे को एयरलाइन वालों में पहले मैं काउंटर पे गया, उन्होंने काफी डिले किया मेरे को, हमारी फ्लाइट 2 घंटे ऑलरेडी डिले हो चुकी थी। मैं कम से कम 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, लास्ट नंबर मेरा आया। जब मैं काउंटर पे गया तो उन्होंने मेरे से बोर्डिंग पास के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे वीजा, उसके बाद मेरी सिस्टर की डॉक्यूमेंटेशन मांगे, जो मेरी सिस्टर की प्राइवेसी है वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी सिस्टर का डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ की लोकल आईडी मांगी, उन्होंने उसका वीजा स्टेटस मांगा, उसकी पासपोर्ट डिटेल मांगी और उनकी बैंक की डिटेल मांगी, जो कि उनके कोई राइट नहीं है। नहीं, मैंने जब उन्हें देने के लिए मना किया तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट होल्ड कर दिया और मुझे धमकी दी कि मैं सिक्योरिटी को हम बुलाएंगे, बोर्डिंग पास नहीं देंगे। उन्होंने ये भी बोला कि हम आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे और आपको फ्लाइट बोर्ड करने नहीं देंगे। तो इस बात पे मुझे गुस्सा आया, पर लेकिन मेरे जो साथ के लोग थे वो मेरे साथ ट्रैवल जो कर रहे थे उन्होंने मेरे को हेल्प किया, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने उससे आर्गुमेंट किया, क्योंकि मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी कंट्री में और इतने लंबे समय ट्रैवल करने के बाद पहली बार जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो उन्होंने भी आर्गुमेंट किया कि आपको राइट नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन देखो, आई ऑलरेडी शो माई लाइक रिटर्न टिकट और मेरी टिकट मैंने जाने की और आने की दोनों टिकट उनको दिखा दी थी, बिल्कुल मेरा वीजा भी दिखा दिया था। बिल्कुल कमल भाई, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, एयरलाइन का मैं एक हक से मैं ये कह देता हूँ कि वो वैसे तो मैंने उनसे उन्होंने मुझे लास्ट टाइम मुझसे रिटर्न टिकट मांगी थी, अगर देखा जाए तो उनका रिटर्न टिकट भी मांगने का मतलब नहीं बनता। बट मैंने ना किसी सिनेरियो में केस में ऐसा देखा है कि कहीं ना कहीं पे ना एयरलाइन को ऐसे ऐसे राइट्स दे दिए गए हैं कि इनकी ना हवा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है ना कि भाई ये खुद को इमिग्रेशन ऑफिसर समझने लग गए हैं। ये बात सच्चाई है, ये तो अपने आप को तुम यार देखो एयरलाइन का काम किया है तुमने, यहाँ से उठा के हमें वहां तक पहुंचाना है जिसके हमने पैसे दिए हैं, 1-1 लाख रुपए हम देके बैठते हैं तुम्हारी फ्लाइट के अंदर, उसके बाद भी यार तुम हमें ऐसे हरास करते हो भाई, कितनी बुरी बात है। तो भाई आज ना यार अंदर से दिल से आवाज आई है भाई, मेरा भी इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा था एयर इंडिया के साथ। अब मैं पर्सनली नहीं कहना चाहता था, बट हो सकता है और एयरलाइन वाले भी ऐसे करते हो, बट यार भाई का एक्सपीरियंस ऐसा रहा ना, मतलब मेरे अंदर से आवाज आई भाई आज वीडियो बनेगी और आज हम एयरलाइन की गुंडागर्दी को यार सबके सामने राज खोल के रहेंगे। और ये वीडियो कहाँ पे खड़के बन रही है ना भाई से, सिर्फ मैंने 15 मिनट मांगे हैं भाई, 15 मिनट मुझे दे दो, हम एक वीडियो बनाएंगे और सबको अवेयर करेंगे, और एयरलाइन को भी आप लोग टैग कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना भाई, इतना गंदा एक्सपीरियंस यार, मतलब कि आपसे इवन किया। देखो भाई ने बताया रिटर्न टिकट इन्होंने दे दी, मैं कहता हूँ चलो एक हद तक रिटर्न टिकट वैलिड है, ठीक है उन्होंने मांग ली हमने उनको दे दी, उसके बाद हमारी लगेज में कोई प्रॉब्लम होती है हम ओवरवेट करते हैं, वो हमारी गलती है, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई कहते हैं स्पॉन्सर किसने किया है। हाँ वो मेरे से ये पूछ रहे थे, स्पॉन्सर की डिटेल मांग रहे थे,
जबकि उनको कोई राइट नहीं है। इवन मैं जब इमिग्रेशन में गया उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा। सबसे बड़े इमिग्रेशन वाले तो यही हो गए, एयरलाइन वाले। भाई हद की बात है यार, देखो जमीन जायदाद के कागज हमने गिरवी रख के कनाडा का वीजा लिया, अपनी सिस्टर के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगा लगा के हमने वीजा लिया, 25-30 लाख रुपए पहले स्टडी पे लगाया, मतलब इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर फैमिली को इतनी इतनी चीजों को फेस करना पड़ेगा तो भाई कितनी बुरी बात होगी वो। तो यार भाई मेरे तो यार ऊपर से निकल गई, मतलब यार स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट यहाँ पे। दीदी उस टाइम सो रहे थे जिस टाइम मैंने आपने बताया कि भाई सुबह का टाइम था, ऑपोजिट होता है वैंकूवर में, तो फिर भाई सो रही थी तो मेरी फ्लाइट का टाइम हो चुका था टेक ऑफ करने का। तो उसके बाद उसके ड्यूरिंग मेरे को इमिग्रेशन भी क्रॉस करना था और सबसे लास्ट में मैं था, तो उन्होंने मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट किया और जिस मेरे को स्ट्रेस हो गया था कि मैं अपनी फ्लाइट बोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई 1 लाख रुपए लगा के स्ट्रेस मूल ले लिया था, मतलब 1 लाख रुपए भी लगाया और स्ट्रेस भी ले लिया। पहले लाख लाख रुपए की तुम्हारी टिकटें, उसके बाद हरासमेंट भी, सो इतनी कौन सी बड़ी बात होगी यार तुमने कनाडा में, मतलब कनाडा को क्या हुआ कि उन्होंने रखा है। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि आपकी इतनी कंपनी इतनी बड़ी है और आपको पता है कि आपकी सेम टाइम पे 3 फ्लाइटें हैं, उस टाइम टोरंटो की फ्लाइट थी और वैंकूवर की भी थी और एक फ्लाइट थी जर्मनी और अपना लंदन की भी थी जो अपने इनडायरेक्ट फ्लाइट थी। तो सेम टाइम पे इनके सिर्फ 3 ही काउंटर चल रहे थे जबकि एक रो में इनके कम से कम 10-12 काउंटर है दिल्ली एयरपोर्ट पे, पर इन्होंने कितने फ्री एम्प्लॉय बिठाए हुए थे जिसकी वजह से कितने कस्टमर को सफर करना पड़ रहा। मतलब देखो यार लैक ऑफ जो स्टाफ भी कह सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉलेज मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई क्योंकि हमें इन चीजों को फेस करना पड़ता है, हमें पता है हम क्या क्या चीजें फेस करते हैं। और भी ना चीजों की और भी ऐसे महगमे हैं भाई जिनकी गुंडागर्दी सरेआम चल रही है, धीरे धीरे सामने लेके आऊंगा यार, बताऊंगा आप लोगों को कि भाई होता क्या यार, हमारा भी दिल खोलता है भाई जब ऐसे भाई हमें मिलके बताते हैं भाई एयरलाइन का यार क्या मतलब है। मैं कहता हूँ रिटर्न टिकट तक मांग लेते, लगेज में वेट ओवर वेट है, तुम लिक्विड हमें एक्स्ट्रा कह दो हम नहीं लेके जाएंगे, कोई चीज ऐसी कह दो यार, वो तुम्हारा राइट है भाई, वो समझ आता है। बट यार भाई स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट मंगाने भाई वो मुझे गलत लगा। फिर भाई ने बताया यार दीदी की पासपोर्ट की कॉपी मंगवाई, मतलब कहीं ना कहीं पे यार अंदर से लगता है यार कि भाई क्या हम क्या किसी कैदी को मिलने आ रहे हैं, मतलब किसको मिलने जा रहे हैं भाई, हम कनाडा आ रहे हैं, तुमने तो हुआ बना कर दिया हमें सिटीजन टॉकिंग था, वो भी काफी रूड था, बहुत रूड है, बहुत रूड है। उसके बाद मैं सैल्यूट करूंगा इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, जिन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने स्माइल करी, इतने अच्छे से बात की, मेरा इतना आज तक कभी भी उनके साथ एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा, वो इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं हर मतलब की पर्सन को। पर लेकिन एयरलाइन का मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों, और एयरलाइन की फैसिलिटीज वो उससे भी ज्यादा बेकार थी, सारी चेयर्स टूटी हुई थी भाई। भाई एयर इंडिया का एक्सपीरियंस सबको पता है, सबको पता है भाई कैसा कैसा बैठ रहा है। पिछले दिनों में यार एक वीडियो भी अभी वायरल हुई थी जिसमें भाई एयर इंडिया की यार फ्लाइट में से यार पानी टपकता हुआ भी नजर आया था। ठीक है कुछ लोग कहते हैं फोटोशॉप है ये है वो है, बट यार जब तक ये चीजों को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो भाई कैसे आगे बढ़ेंगे। देखो इन चीजों को यार छोड़ना पड़ेगा भाई, एम्बेसी ने हमें वीजा इश्यू किया है, हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, उनको हम जेन्युइन लगे हैं तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। देखो अगर हम कोई रूल ब्रेक करेंगे तो उसकी सजा भी तो हम ही भुगतेंगे, अगर हम यहाँ पे ओवरस्टे करते हैं, हम कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो उसकी सजा तो हम ही भुगतने वाले हैं, एयरलाइन तो नहीं भुगतने वाली। एयरलाइन की कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती होगी कि अगर आपको कोई सस्पेक्टेड लग रहा है आप उसको क्वेश्चनिंग कर सकते हो, बट यार अननेसेसरी आप किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवा सकते, आप उसका किसी का वर्क परमिट नहीं मंगवा सकते, आप पासपोर्ट नहीं, मतलब यार कोई सेंस ही नहीं बनता इन चीजों का। जब अगर वीजा नहीं है भाई तुम बिना वीजा के भेज रहे हो, ऑन अराइवल दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे समझ आता है। बट हाँ अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहते हैं कि आप सब हर बंदे को ऐसे चेक कर सकते हैं तो भाई सबका चेक करो, आज से शुरू कर देना, सबका चेक करना शुरू कर दो। एयर इंडिया खास करके आपके लिए, अदर एयरलाइन भी अगर करती है ऐसे काम तो भी नीचे कमेंट्स में बता देना कि आपका एयरलाइन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और हाँ अगर ये वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो, कोई इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और कमल भाई का जो एक्सपीरियंस है, मैं नहीं चाहता किसी और का ऐसा एक्सपीरियंस रहे, अगर किसी का भी रहा हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमल भाई मुझे टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई को ना यार दोबारा से अभी बस लेके आधे घंटे बाद वापिस जाना है, और अभी ना हम आए थे यहाँ पे यार घूमे फिरे, मैं अपने यहाँ पे एक फ्रेंड को भी मिला था यार आशु को, उससे भी मुलाकात हुई, कमल भाई से मुलाकात हुई। कमल भाई को मैं पिछले 15-20 साल से जानता हूँ, और भाई आज फिर से दोबारा से हम दुबई के बाद चंडीगढ़ के बाद आज फिर से यार कनाडा में मिले हैं भाई, बड़ी खुशी होती है यार अपने भाइयों को मिलके, है ना। पर इनका एक्सपीरियंस जब सुनता हूँ ना मुझे लगता है कि नहीं यार इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, और हम हर चीज़ को यार अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हर चीज़ सही होगी। देखो अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो भाई मुझे नहीं लगता यार कोई चीज़ ठीक हो पाएगी। देखो हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है, मतलब अगर आप गलत को देख कर गलत नहीं बोलोगे तो गलत कौन है, सही बात हम ही है भाई। अगर गलत को गलत देख कर आप अगर बोल देते हो कि वो भाई जो चीज़ गलत है तो फिर आप राइट हो। और मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मेरे को ना अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं ना आपको हिस्ट्री भी दे सकता हूँ, मैंने दुबई 5 साल काम किया, मैंने 36 और 35 टाइम मैंने ट्रैवल किया, मैंने ड्यूरिंग 35 और 36 ट्रैवल करने के टाइम पे अरे भाई
वो ठीक हो भाजी? अच्छा हाँ जी बरे कर दिए मैं, थैंक यू। तो मेरा मतलब कि इंडिया, मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट से कम 35 और 36 टाइम ट्रैवल किया और मैं हमेशा अपने कंट्री को हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि मेरी देश की एयरलाइन है। मेरे को यह है कि मैं ना मतलब हमेशा हर चीज़ में अपने देश को सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट मैं सपोर्ट जब मैं दूसरी एयरलाइन को कंपेयर करता हूँ ना एमिरेट्स वगैरह को, तो सेम प्राइस है आज की डेट में एमिरेट्स का और एयर इंडिया का। बट आप एमिरेट्स में ट्रैवल करोगे आपको जो एक्सपीरियंस होगा ना वो नेक्स्ट लेवल है, और अगर आप एयर इंडिया में करते हो ना तो आप खुद मतलब कि आप खुद जब एक्सपीरियंस करोगे तब आपको पता चलेगा। बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी तो फिलहाल नहीं करो, जब तक उनके नई नया क्रू स्टाफ नहीं आ जाता या उनकी नई न्यू मैनेजमेंट नहीं आ जाती या न्यू प्लेन्स वो हायर नहीं करते। तो मैं एट द एंड फिर भी एक वीडियो में यही बता देता हूँ यार कि एयर इंडिया के साथ हमारी कोई भी पर्सनली वो नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं भाई, बट जो गलत है वो गलत है, हमने उस पर आवाज़ उठाई है। मेरा भी कुछ एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, कमल भाई का भी रहा है, कुछ एक और लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो मुझे लगता है कि एयर इंडिया को इसके लिए जाँच पड़ताल करनी चाहिए कि भाई इतना हरास क्यों किया जा रहा है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी भाई ने बताया, एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ, भाई ने बताया वर्क परमिट तो मांगा ही मांगा, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की उसने मेरे जो सिस्टर के डॉक्यूमेंट थे उसने अपने मोबाइल में ना वो वीडियो बनाई उसकी कैप्चर कर ली, जबकि उसको कोई राइट नहीं है कि वो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में स्टोर कर ले। हमें उस पर एक्शन ले सकता था, बट उस टाइम मेरा क्या था कि मेरे को एक एक्साइटमेंट थी, मेरे को सिस्टर से मिलना था क्योंकि सिस्टर से मैं 3 साल के बाद मिल रहा था, क्योंकि मैं दुबई जब काम करता था मैं सिस्टर से मिल नहीं पाया, जब वो कनाडा गई मैं तब नहीं मिल पाया, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी और मेरे को उस चीज़ में गुस्सा भी आ रहा था, उस टाइम मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा था कि बस मुझे है कि मुझे ये जाने दे और मैं फटाफट फ्लाइट बोर्ड कर लूँ, क्योंकि सिस्टर भी मेरा वेट कर रही थी क्योंकि हमने 3 साल के बाद मिलना था, उसका बर्थडे भी था। तो मैं ना उन्होंने जब डॉक्यूमेंटेशन लिए ना फोटो उन्होंने वीडियो बनाई तो बोलते हम आगे अपने पास डेटा सिक्योर रखते हैं ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट ये चीज़ राइट नहीं है। मेरे किसी भी तरह का उसका नाम पता है? नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम पे ना मतलब कि इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, गुस्सा मुझे इतना आ रहा था, मेरे दिमाग में थोड़ा सा फ्लाइट का नंबर या फ्लाइट का टाइमिंग क्या था वैसे? फ्लाइट मेरी मॉर्निंग की थी, 12 मई की इंडिया की 12 मई की मेरी फ्लाइट थी और टाइमिंग मेरी 5:40 की फ्लाइट थी एयर इंडिया की। चलो अगर कोई भी एयर इंडिया का स्टाफ देख रहा होगा तो उसको पता होगा भाई कौन कौन लोग ड्यूटी पे होते हैं, तो यार थोड़ा सा संभल जाओ भाई। अपने पर्सनल मोबाइल में मेरा कोई डेटा नहीं रख सकते, पर आपने रखा क्योंकि उस टाइम में मेरा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था सिचुएशन भाई, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा था और आपने सिक्योरिटी को बुलाने की भी कोशिश करी बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मैं तो फिर भी बोर्ड किया। हर बंदे के पास ना प्लेटफॉर्म नहीं होता बात अपनी जाहिर करने के लिए, तो शायद ये कोई अच्छा प्लेटफॉर्म और आप लोग इस बात को आगे लेकर जाएं तो यार पता लगेगा भाई एयर इंडिया वालों को भी कि ऐसा वो नहीं कर सकते।